色唱歌着着爱阿弟说些莫得ये रोज ऐसे ही चलने वाला है क्या? ऐसे ही चलेगा अगर तू सुधरेगी नहीं तो। मैं छोड़ रही हूँ। मत छोड़। मैं छोड़ रही हूँ। नहीं। मैं छोड़ रही हूँ। छोड़ छोड़ रही हूँ। मैं छोड़ रही हूँ। मैं छोड़ रही हूँ। कोचो कोचो आगे देख। कोचो संभाल संभाल संभाल। अरे ये क्या बात हुई? उनको बोलो कि बड़ी बहन के शादी में अगर छोटी बहन नहीं आएगी तो लोगों की बातें सुननी पड़ेगी। क्या कर रहे है तू? मैगी बना रही हूँ। मैगी? पागल है क्या? बहुत जोर से भूख लगी यार। तुझे खाना तो बोल। खाना है? ये पकड़। अरे मुझे नहीं खिला दी। ओह माय गॉड, तूने तो मुझे डरा ही दिया। सच में? मुझे भी खिला। कैसा है? टेस्टी है यार। कैसे बनाया? एकदम सिंपल। इलेक्ट्रिक केटल में पानी गर्म किया, उस पे नूडल्स डाला। लेकिन तू नूडल्स लाई कहाँ से? आई हैव कनेक्शंस वेवे। पता है, नूडल्स देख के ना घर की याद आ गई। मुझे तो हमेशा याद आती। तू बहुत ही पैम्पर्ड वे में बड़ी हुई है ना? मेरे जन्म के बाद मम्मी का देहांत हो गया और इसलिए पापा ने कभी कोई बात पे ना नहीं बोला। तो फिर आर्मी क्यों ज्वाइन किया? पापा का अधूरा सपना। अधूरा सपना? एक्चुअली पापा को आर्मी ज्वाइन करने का बहुत मन था, पर उनके हाइट की वजह से वो कभी क्वालिफाई नहीं कर पाए, इसलिए मैंने आर्मी ज्वाइन कर लिया। वाओ, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। शोभा तो आर्मी फैमिली से बिलोंग करती है। तुमने आर्मी क्यों ज्वाइन किया? देश की सेवा करनी थी तो आर्मी ज्वाइन कर लिया। घर वालों ने सपोर्ट किया? बहुत कन्विंस करना पड़ा। कैसे कन्विंस किया बताना चलो। फुर्सत से बताऊंगी ना, बहुत लंबी कहानी है। और फिलहाल सो जाते ना। हाँ ठीक है, खत्म हो गया क्या? I'm done. I'm also done. चल, चल। Good night. Good night. सुबह लाइट ऑफ कर दी तो ना। हाँ। सिक्स फीट वॉल जंप, ये लड़ाई में आप लोगों को उत्साह से कूदना है तो ये एक्सरसाइज आप लोगों को बहुत मदद करेंगे। फौज है भारत माता की, फौज है अपने देश का, फौज है किसी से भी वो कम नहीं। फौज कच्छ। यस सर। मेक अ नोट ऑन द बोर्ड अबाउट आवर इमीडिएट नेबरिंग कंट्रीज। यस सर। Why is it not done yet?
सर मार्कर्स नहीं मिल रहे थे। अगर मार्कर नहीं मिल रहा था तो स्टोर रूम से लेके आते। सर मार्कर्स खिड़की के पर्दे के पीछे है। तुम्हें कैसे मालूम? यहां से दिख रही है। अगर दिख रहा था तो इसे क्यों नहीं बताया? सर इसने किसी से पूछा भी नहीं। Why is it so? I think she wants to prove that she is the best. Okay. Alina. Now you make the chart. Yes, sir. और कत्सु और बार्बी, आज तुम दोनों पूरे कैंपस का पूरे 25 राउंड लगाओगे विथ एक्स्ट्रा वेट। Yes, sir. अरे देखना कैसे बेबजह दोनों दौड़ रहे हैं इतनी बड़ी कैंपस में। आई स्वेयर अब टास्क में फेल होगी तो पनिशमेंट तो मिलेगा ही। मुझे पता है कि मार्कर्स तू नहीं छुपाए हैं। हाँ प्रूफ कर सको तो कर लो क्योंकि मार्कर्स मैंने छुपाए थे। अरे छोड़ना उसे और सबके साथ इसने ऐसा किया है। इसका कुछ तो करना पड़ेगा। टेंशन मत ले कुछ प्लान आउट करती हूँ अभी इसका। लेकिन मुझे बुरा इस चीज का आ रहा है तुझे मेरी वजह से पनिशमेंट मिली। अरे छोड़ ना यार किस्मत में जो लिखा है देखा जाएगा। मुझे बस एक ही टेंशन है मेरी कॉम्प्लेक्शन से यार। पागल है क्या तू? अरे इसमें पागल होने वाली कौन सी बात है? अरे इधर पनिशमेंट मिली है और तुझे अपनी कॉम्प्लेक्शन की सोच रही है। तुझे जो सोचना है तो सोच ले but I'm very much conscious about my complexion seriously. okay ठीक है चल मेरी complexion यार। मम्मी कुछ को तेरे बता दिया? हाँ बता दिया वो सीनियर से बात करके हमें बताएगी। God forbid उसके सीनियर ने छुट्टी देने से मना कर दिया तो। अरे negatively मत सोच। अरे उनके सीनियर्स को भी तो समझ में आएगा कि उनकी बहन की शादी है। मम्मी मैं बता देती हूँ अगर उसे छुट्टी नहीं मिला तो आपको ना आतू की फैमिली को बोल के शादी का डेट ना आगे कर देना पड़ेगा। अरे तू टेंशन मत ले पहले फोन तो आने दे। देखो मम्मी अगर मेरी शादी में नहीं आएगी ना तो मैरिज कैंसिल। मैं तो आतू को भी साफ साफ बोल दूंगी वो खुद दूसरी और को देख ले। आई विल नॉट गेट मैरिड। अरे अजब वो ऐसा नहीं बोलते शादी को लाइटली नहीं लेते हैं। अरे ओतू की फैमिली ने भी तो सोच कर रखा है उनको शादी का कौन सा डेट सूट करता है। तू सुन अभी उसको कुछ मत बोल पहले फोन आने दे। हाँ ठीक है छुट्टी नहीं मिलती तो हम सब वहीं पे चले जाएंगे। हाँ और डॉक्टर ओतू की फैमिली को भी लेके जाएंगे और वहां भी शादी कर देंगे। मंकी रोप सिंगल क्राउल ये आप लोगों का लड़ाई में एक मजबूत साथी है। आप लोग एक पैर से दूसरे पैर तक रस्सी से बांधकर नदी नाला आराम से पार कर सकते हो। डबल क्रॉल मंकी रोप इससे आप लोग लड़ाई में अपने हथियार के साथ आराम से पार कर सकते हो मुश्किलों से मुश्किल रास्ते।
गुड मॉर्निंग अटेंशन प्लीज ये अनाउंसमेंट लेडी कैडेट एलिना लेडी कैडेट शोभा लेडी कैडेट श्वेता लेडी कैडेट बार्बी एंड लेडी कैडेट कॉस्टू के लिए है आप लोगों को मेजर राठी ने पॉइंट फोर पर रिपोर्ट करने के लिए ऑर्डर दिया गया है आप लोगों को सिर्फ 5 मिनट में वहां पहुंचना है आप लोग जानते ही है वहां पहुंचने के लिए 2 तरीके हैं एक आसान रास्ता और एक मुश्किल रास्ता अभी आप लोगों को सुनना है आप लोग आसान रास्ते से वहां जाएंगे या मुश्किल रास्ते से वहां जाएंगे आप लोगों का समय शुरू होता है अभी से मूव विश्राम आई एम हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू हियर आज आप लोग रिलैक्स कर रहे होंगे और करना भी चाहिए क्योंकि आज संडे है और संडे का मतलब होता है एक वीक के बहुत मेहनत के बाद अपने आप को रिचार्ज करना आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इमरजेंसी कॉल सिर्फ लेडी कैडेट्स को ही क्यों दिया गया आपके बैचमेट्स जेंटलमैन कैडेट्स को क्यों नहीं क्योंकि एक एग्जाम का पर्पस है कि हमारे लेडी कैडेट्स भी उतने ही जिम्मेदार बहादुर और डिसिप्लिन है जितने कि आपके बैचमेट्स जेंटलमैन कैडेट्स हमारे लेडी कैडेट्स ये भी सोच रही होंगी कि हमने आपको इतना मुश्किल रास्ता क्यों बताया जबकि यहां 2 मिनट में पहुंचा जा सकता था क्योंकि लाइफ में कभी कभी मुश्किल रास्ते भी चुनने पड़ते हैं और उसे अपने सोच और मेहनत से आसान बनाना पड़ता है कोई शक नो सर गुड मैं आपको यह भी बताना चाहती हूं कि आप लोग को जो 2 रास्ते दिए गए थे उन पर भी हमारी नजर थी हमें यह भी पता है कि किसने आसान रास्ता चुना और किसने मुश्किल यहां सबसे पहले पहुंची है हमारी लेडी कैडेट अलीना और सबसे मुश्किल रास्ता चुनकर यहां तक पहुंची है लेडी कैडेट कॉस्टू कभी कभी लाइफ में प्रैक्टिकली सोचा जाए तो मुश्किल रास्ता चुनना बेहतर होता है क्योंकि जो लोग मुश्किल रास्ते चुनते हैं वही फ्यूचर में जाके अच्छा काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं नाउ यू ऑल कैन गो बैक टू योर रूम्स एंड एंजॉय योर संडे तुम यहाँ तुम्हें तो ग्राउंड में होना चाहिए ना सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है फटाफट बोलो और ग्राउंड में जाओ सर मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए क्यों यहाँ मन नहीं लग रहा ट्रेनिंग हार्ड है या घर पे जाकर रेस्ट करनी है नो सर दीदी की शादी है बहुत क्लोज हो तुम दोनों यस सर जब मुझे आर्मी ज्वाइन करना था तो मेरे पूरे फैमिली ने अपोज किया था तभी दीदी ने ही उनको कन्विंस किया कितने दिन की छुट्टी चाहिए 15 डेज सर ठीक है मिल जाएगी जाओ अपना सामान पैक करो थैंक यू सर कत्सो यस सर जाते समय एग्जिट गेट में जो बेल है वो बजाते हुए जाना लेकिन सर वो तो आई नो ये छुट्टी सिर्फ 15 दिन के लिए नहीं है लाइफ टाइम के लिए है और हम यहाँ धर्मशाला खोल के नहीं बैठे हैं जब मर्जी चले आओ जब मर्जी चले जाओ यू कैन लीव नाउ
दीदी प्लीज आप डेट आगे मत बढ़ाइए ना। मगर तू अगर यहाँ नहीं होगा तो मैरिज सेरेमनी बहुत बोरिंग हो जाएगी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्रॉमिस मी कि आप डेट आगे नहीं बढ़ाएंगे। आप समझने की कोशिश कीजिए ना कि मैं कोई नॉर्मल कॉलेज में नहीं पढ़ रही हूँ कि कभी भी छुट्टी लिया और आ गए। ओके ओके आई प्रॉमिस। अच्छा दीदी अभी डिनर का टाइम हो गया है, मुझे जाना पड़ेगा। अच्छा कुछ सुन, वहाँ के खाना वगैरह कराई कुरी से तो बेहतर है ना? दीदी एकोमोडेशन फूड एंड एवरीथिंग इज हैंडल्ड इन अ वेरी प्रोफेशनल वे, सारे अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे। कभी आप आओगे ना खुश हो जाओगे। तुम अपने ख्याल रखना ठीक है। बाय दीदी। बाय टेक केयर। क्या बोली? नहीं आएगी, उससे छुट्टी नहीं मिलेगी। उसे बातों से तो लग रहा था कि वहाँ बहुत स्ट्रिक्ट थे। ऐसे होने भी चाहिए, इसलिए तो हमारा आर्मी भी बहुत डिसिप्लिन थे। अब क्या करें? ठीक है, ओतू का पेरेंट्स से मैं बात करेगा। हाँ। अगर मैं रिक्वेस्ट करेगा तो वो लोग मान जाएगा। दे आर वेरी नाइस पीपल एंड आई थिंक दे विल अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। घर में जाके बात करूंगा। फोन पर बात करना ठीक नहीं होगा, देखते हैं वो लोग क्या रिप्लाई देता है। पापा ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि इफ यू वांट टू लिसन टू अदर्स और थिंक ऑफ व्हाट इज गुड फॉर अस एंड आतूस फैमिली। आ जाए वो। आर यू श्योर? हाँ मामा। एंड वी शुडंट डिस्कस ऑन दिस टॉपिक एनीमोर। क्या तू भी वही चाहती है जो कोचू चाहती है? यस आई एम श्योर ऑन दिस। जो कोचू चाहती है मैं भी वही चाहती हूँ। तब ठीक है, दुल्हन जो चाहे। हाँ। तो शादी की तैयारी की जाए। आर यू श्योर कि हम मार्केट चलेंगे? देख हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलता है। ये दिन भी बर्बाद कर दिया तो क्या फायदा? देखते हैं ना, अगर मार्केट प्लेस पे कोई सीनियर ऑफिसर मिल गया तो सबको थोड़ी पता है कि हमको मार्केट ना जाने की पनिशमेंट मिली है। ये सब प्रॉब्लम का जड़ वो एलिना है। उसको तो मैं पंच मार के उसके मुंह तोड़ दूंगी। बाद में तोड़ना, फिलहाल अपना मुंह बंद कर, नहीं तो हम लोग पकड़े जाएंगे। ठीक है। भैया थोड़ा और दिखा प्लीज। तू भी ना एकदम स्वभाविक खाना पसंद कर दिया, मेरे लिए इतना हो गया। सुन एक दिखा और एक मीठा कर ले, अच्छा लगेगा। चल ये भी फॉर्मूला ट्राई कर दे। ज्यादा एक दिखा और मीठा मिक्स कर देना। इसके बाद ना हम लोग खाओगली चलते हैं। ये खाओगली क्या है? तो खाने की इतनी शौकीन है और तुझे खाओगली नहीं पता है? अरे वहाँ पे खाने की इतनी वैरायटी मिलती है ना, रसमलाई, आलू टिक्का, क्रिस्पी क्रिस्पी समोसे। एक बार तू वहाँ पे खाएगी ना तो ट्रेनिंग रेंज होगी वहीं पे सेल हो जाएगी। जल्दी खाना पहुँच चलते। भैया कितना हुआ? जल्दी कर। हाँ रुक भैया। और सुन ना, खाओगे बहुत सारे समोसे खाएंगे। क्या टेस्टी था। कमाल का नाम रखा है अंकल ने। ए, आरी का खंडाला। रुक दे तो। चल, चल तुझे खंडाला दिखाती हूँ। चल। गलत लड़के से पंगा लिए। हम आर्मी वाले हैं बेटे।
क्या हुआ? ये दोनों तब से हमें छेड़ रहे थे, लगा दिया दो चार, एक तो भाग गया। तेरी थैंक यू सर। भाग! चल 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 चल, छोड़ना, अरे छोड़ना, छोड़ना, अरे चल यार, पुलिस आई तू, पुलिस आई और तू मुझे खींच के ले आई। अरे नहीं भागते तो उल्टा पनिशमेंट मिलता, इनके साथ पुलिस स्टेशन जाना पड़ता और मेजर रेड्डी हमें पनिश करती। अच्छा तो चल भाग जा जल्दी। आप लोगों को आज का वीकआउट कैसा लगा? एक्सीलेंट सर। गुड। नेक्स्ट वीक हम ऐसी जगह जाएंगे जहां आप लोग बहुत कुछ देख और सीख सको, और कच्चा कम हियर। कहाँ थे तुम दोनों? सर वो हम लोग बाहर घूमने गए थे। मैं बारक छोड़कर भाग रही थी। What? Yes, सर। और कोचू ने मुझे बहुत कन्विंस करके वापस ले आई। Why? तुम एक कैंप छोड़कर क्यों भागना चाहती हो? सर वो एक्चुअली फिजिकल वर्क उसे बहुत भारी पड़ रहा है, तो उसका माइंड में ऐसा आइडिया आया। क्यों, यहाँ आने से पहले इसको मालूम नहीं था कि आर्मी का ट्रेनिंग कितना टफ होता है? बट इट वॉज अ ड्रीम सर।